यहाँ से कोई पेट्रोल नहीं लगा, ठीक है? चलिए ठीक है, जाइए। नहीं, मेरा कैब भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि आप पेट्रोल लेना बंद कर दो, जब आप मेरा बिजनेस ही बंद करवा रहे हैं तब इनका सामान ले लीजिएगा। आप चोरी की चोरी कर रहे हैं, पेट्रोल चेक कर रहा है। तो बोले ना कि कल आएगा स्टाफ मेरे पास, पेट्रोल मिल रहा है। हम तो नहीं देखने जा रहे कि क्यों बिल ही नहीं मिला है, हमको बिल ही नहीं मिला है, बिल नहीं मिला है। अब बोलता है एक वर्ष के बाद नहीं मिलता, अभी जो करंट है बस वो मिलता है, ये बात मैनेजर भी बोला है। मैनेजर ही बोला कि अभी जो बस तेल भरा है बस उसका बिल मिलेगा, उसके पीछे का नहीं मिलेगा। नहीं, जब मेरा तेल भरा है ना, हम उसी मोमेंट पे बोलेंगे हमको बिल चाहिए। कहता है बिल पीछे चला गया। सुनो, 100-150 वाला बाइक वाला लेता है, हम डेली 1000 के घर से ही जाते हैं, डेली लेते 1000 की, यही पे डेली 300 जा रहा है। पूछे सारा स्टॉक जानता है, याद है आपको जीरो दिखा के दिया जाता है, इसको जीरो नहीं दिखाया, इसको जीरो। हम यहीं पे एक करे चोरी चाहे 10 करे चोरी, चोरी चोरी होता है, या तो उसको पनिशमेंट मिल गया, चोरी होता है, 500 दंड देना पड़ेगा। 500 में मान जाए, मेरा डेली का जो मरा रहा हूँ इससे मतलब मेरा क्या होगा? हम बैपास पे गाड़ी खेले मैम, अभी होगा सब, अभी होगा सब, अभी होगा। एक सेकंड, ऐसा है मैम, उसको फाइन देना बोलते हैं, अपोलोजाइज करना नहीं। चलो ठीक है, लेके जाओ। नमस्कार, मैं सदवत अब्बास, न्यूज 1 देख रहे हैं आप। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगनपुरा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल चोरी के हंगामे के मामले में सोमवार को पेट्रोल पंप के मालिक हर्षवर्धन नारायण ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर अपूर्वा सिन्हा नारायण ने पत्रकारों से बातचीत के दरमियान फ्यूल चोरी के आरोप को पूरी तरह निराधार बताया। डॉक्टर अपूर्वा नारायण का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यह सोची समझी साजिश थी, यह सिर्फ नारायण वर्धन फ्यूल स्टेशन की छवि बिगाड़ने के लिए किया गया है, बल्कि फ्यूल स्टेशन बंद करवाने की सोच दबंग उपद्रवी रखते हैं और इसी को अंजाम देने के लिए गुरुवार की देर शाम को फ्यूल कम देने के आरोप लगाकर तमाशा किया गया, साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। सवाल कर रहे हैं मैम, पिछले दिनों आपके पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि आप पेट्रोल कम देते हैं, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, हम लोगों का तो पहले ये बात है कि हम लोग कोई मीटर में सेटिंग नहीं करते, ये अथॉरिटी हम लोगों का खुद रहता है, BPCL की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो हर 2-3 महीने पे यहाँ पे चेकिंग होती है, हमारे पास मापतौल का सर्टिफिकेट है, हम लोग कोई भी यहाँ पे इस तरीके का काम नहीं करते इलीगल वर्क। बहुत सारे कस्टमर से भी आप पूछिएगा कि हमारे मीटर में एक भी सेटिंग नहीं है, हम लोगों ने अपना जार 5 लीटर का जार भी वहाँ पर रखा हुआ है, ताकि लोगों को अगर किसी तरीके का, अगर उन्हें थोड़ी सी भी अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आपका थोड़ा सा तेल कम है, वो लोग अपने वहाँ पे जार हम लोग अवेलेबल रहता है, उस जार से वो लोग अपना पूरा तरीके से लीटर वाइज नाप लें और उसके बाद उस हिसाब से तेल। विवाद का कारण क्या हुआ? विवाद का कारण देखिए, एक्चुअली ये 2 साल से ही हम लोग झेल रहे हैं, यहाँ पे रोज ये लोग कुछ लोग थे, वो लोग यहाँ पेट्रोल पंप यहाँ खोलना चाहते हैं, और एक्चुअली हम लोग को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं था कि लोग पेट्रोल पंप यहाँ खोलना चाहते हैं। तो जब दो हम लोग के पेट्रोल पंप खुलने के 2 महीने बाद से ही इन लोगों का हमेशा से, मतलब कभी हवा वाला नहीं है, अगर हवा वाला अगर उसकी माँ बीमार है, वो अगर मतलब आधा घंटा के लिए इधर उधर चला गया तो फिर वो वापस आया तो उसको गाली गलौज किया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है, यहाँ कोई भी शराब आके पी लेता है और फिर अपना गाली गलौज सब नोजल मैन लोग को दिया जाता है। पहले हम लेडी नोजल मैन रखते थे, उन लोगों को साथ पूरा गाली गलौज किया जाता था, तो इसी वजह से हम लेडी नोजल मैन को हटा दिए। अब सोचे थे कि चलिए लोकल से है, यहाँ पे लोकल लेडीज महिला रहेंगी तो उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, पर उनके साथ भी बहुत ज्यादा ये लोग बदतमीजी करते थे। थर्सडे के दिन रात में क्या हुआ, उस दिन कुछ लोग आए, वो लोग बोल रहे थे कि मेरे मुझे तेल कम मिला है, तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है सर, अगर आपको तेल कम मिला है, अगर आपके पास बिल नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग आपका तेल, वो जो स्टाफ अगर गलती किया है वो आपको अपॉलोजी करेगा, वो आपको सॉरी बोलेगा और उसके हिसाब से फिर हम लोग आपको फुल टैंक हम लोग करवा देते हैं और फिर आप ये मामला शॉर्ट आउट करके अपना चले जाइए। कोई भी लोकल कस्टमर्स ऐसे ही मामला सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये मैडम ये कैसे सॉल्व होगा, हम तो पूरा मीडियाबाजी बुलाएंगे, पूरा ये करेंगे, पूरा वो करेंगे। हम बोले सर देखिए, ये मामला है, मान लीजिए आपका तेल अगर कोई भी चोरी किया है, हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी, आप अंदर आके मीटर वगैरह चेक कर लीजिए, हमारे पास पूरा वीडियो है, फुटेज है, आप पूरा अंदर आके मीटर चेक कर लीजिए।
हम लोग के मीटर में अगर एक भी सटीक है आप प्लीज मुंबई पी सर में जाके कंप्लेंट करें। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैडम, हम जानते हैं आपके मीटर में कोई सेटिंग नहीं है, आपका नोजल मैन मेरा तेल मारा है। हमने ठीक है सर, वो अपॉलॉजी कर देगा, आप प्लीज़ इस चीज़ को यहीं पे शॉर्ट आउट कर लीजिए, आपको फुल टैंक हम लोग करवा देंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको करवाना है तो ठीक है, मेरा महीना भर से मेरा गाड़ी में तेल मारा रहा है, आप 10-10 गाड़ी हम लगा दिए वहाँ पे। उन लोगों ने 4-5 गाड़ी वहाँ पे बाइक लगा दी। उन्होंने बोला इन सब में फुल टैंक कर दीजिए। हमने सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आप एक बाइक लगाइए उसमें हो जाएगा। तो उसी समय एक स्विफ्ट डिज़ायर में दो लोग आए, वो लोग एकदम पूरा ड्रिंक किए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आपका स्टाफ जो है यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह करके यहाँ पे तेल वगैरह बेचता है। बोले सर अगर ऐसा कोई बात है तो प्लीज़ आप पुलिस को आने दीजिए, वो लोग पुलिस अपना मामला अपना देख लेंगे, जो स्टाफ इस तरीके से करता है वो अपना स्टाफ उनको लेकर चला गया, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात। अचानक से फिर वो लोग इतनी ज्यादा हाइपर हो गए, मतलब इतना ज्यादा हाइपर अटैक करने के हिसाब से वो लोग हम लोग मेरे ऊपर आए थे। मेरे हस्बैंड उस दिन गांधी मैदान गए थे रोटी बैंक का कार्यक्रम करने के लिए, और फिर अचानक से उन्होंने मेरे हम लोग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया एकदम पूरा एकदम कि नहीं नहीं आज कुछ भी हो जाए, इस पेट्रोल तो हम इस पेट्रोल पंप को आग लहरा दो, ये कर दो। हम बोले सर देखिए ऐसा एटीट्यूड अगर रखिएगा तो हम ना तेल देंगे ना हम ढक्कन देंगे, आप प्रशासन को आने दीजिए, जो मामला वो लोग शॉर्ट आउट करेंगे वैसे ही मामला शॉर्ट आउट होगा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इस तरीके से मामला काम नहीं चलेगा, सो आग लहरा दो, चलो यहाँ पे तोड़फोड़ स्टार्ट कर दो। बस उन लोगों ने आग लहराने इधर उधर दौड़ना भाग स्टार्ट कर दिए, बस उसी समय प्रशासन आ गई, मेरे साथ पूरा धक्का मुक्की स्टार्ट हो गया इन लोगों का। इन लोगों ने बोला कि तुम महिला हो तो कुछ भी कर लोगी। हम बोले सर ऐसा कोई बात नहीं है, हम महिला हैं, हम कोई फायदा नहीं उठाएंगे कि हम आपके ऊपर कोई भी घटिया केस करेंगे, जो मामला है पेट्रोल को लेकर के अगर आप चाहते हैं तो पेट्रोल लेके सीधा चले जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोगों ने मामला को बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ मामला को बढ़ाया। जो टारगेट लोग आपको किए हुए हैं क्या इसके खिलाफ पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं? हाँ, बहुत बार, 2 साल से मैं तो पुलिस में कंप्लेन डालते रही हूँ, पर आज तक पुलिस ने मतलब लोकल थाना है हम लोगों का, वो लोग हमेशा आके थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं, कभी भी इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इस मैटर्स को नहीं किया कि हाँ कभी भी बॉन्ड अगर ये लोग बनवा देते हम लोग उसमें भी प्रिपरेशन हो जाता कि हाँ भाई चलो हम लोग का बॉन्ड बन गया, अब हम लोगों को कोई टेंशन। अब आगे क्या चाहती हैं? हम लोग बस ये चाहते हैं कि ये यूट्यूब में जो हम लोगों का घटिया वीडियो जो हम लोग को डाला गया है ये इन लोगों को हमेशा के लिए इन लोगों को रोकना पड़ेगा इस चीज को। किसने डाला है ये? कोई है अतुल पटेल करके जो है उन्होंने जो है आप उन्हें जानते हैं क्या? नहीं, हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, पर उन्होंने जो वीडियोस डाला है वो बहुत ही गलत तरीके से वीडियो डाला, उन्होंने एडिटिंग करके वीडियोस डाला, पूरा वीडियो है मेरे पास कि उन लोगों वो लोग लड़का लोग जो है वहाँ पे उस दिन स्मैकर्स था वो लोग पूरे तरीके से ड्रग्स वगैरह लेके आया था, और प्रशासन जब आया तो वो लोग पूरे तरीके से भागने लगे, पकड़ने को छोड़ दिया। और बिना मतलब का कुछ लोकल्स लोग जो है वो लोग मतलब 14-15 साल के 16-17 साल के सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, किसी को वहाँ पेट्रोल लेने नहीं दे रहे थे, ऑब्वियसली जो फैमिली लोग भी आई हुई थी जो मोटरसाइकिल्स पे कार्स पे उन लोगों को भी मार मार के भगा रहे थे, नहीं नहीं यहाँ पेट्रोल नहीं लेना। स्थानीय थाना रामकृष्ण नगर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही? नहीं, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बड़ी प्रशासन से क्या जाएंगी? सर यही है प्रार्थना कि हम लोगों को बस हम लोग बस चाहते हैं कि एक तरीके से व्यवसाय जो हम लोग खोले हैं हम लोग के व्यवसाय को चलने दिया जाए, लोकल्स जो हम लोग इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं उन लोगों से हम लोग किस तरह से छुटकारा पाया जाए। तो इसको लेकर सीनियर एसपी से मिलेंगे सुरक्षा को लेकर? सीनियर एसपी से सर हम मिलेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि इस मैटर को थोड़ा सा सॉलिड कुछ हो, क्योंकि हम पिछले बार भी एसएसपी को हम दिए हुए हैं लेकिन उस मामला को लेकर के कुछ मामला चला, फिर वो कोर्ट में मैटर चला, लेकिन उसके बाद फिर कुछ फिर ये लोग लोकस लोग मतलब अपने नहीं आके वो लोग किसी ना किसी थ्रू किसी के थ्रू हमेशा हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं।